हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ, सी वी रमन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो सब्जेक्ट वो होता है डोर ऑफ द एक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट इज़ द डोर ऑफ द एक्शन, जो मतलब काम कर रहा है। तो हु इज़ डूइंग हियर द वर्क, हु इज़ द डोर ऑफ द एक्शन, सी वी रमन। एंड द अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वी कैन से दैट हु इज़ द contain a verb and the predicate also comes after the subject। ये ध्यान रखना है आपको, subject के तुरंत बाद जो है, जिसमें including verb होता है, वो आपका सब predicate में आता है, ठीक है। the new principles वो subject में आता है। जैसे subject में आप क्या ले सकते हो, I, V, U, they, I, V, U, he, she, it, और या noun या pronoun, ठीक है, ये सभी आपके subject में आते हैं। लेकिन helping verb विल कम इन द प्रेडिकेट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंटेन्स मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हु इट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो हमें ये बताता है कि किसने या क्या सेंटेंस बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद आता है, इसमें हमेशा वर्ब होते हैं, ध्यान रखना। और इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। ऐसे ही इज मिस्टर के शांतरम, ये आपका प्रेडिकेट है। चलिए, सो ना सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये हम एज अ नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज के रूप में भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। और इम्पेरेटिव में आप यू आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। यू इसमें मिसिंग होता है समटाइम्स, दैट इज़ बिकॉज द सब्जेक्ट इन दैम यू विच इज़ इम्प्लाइड एंड देयर फॉर ओमिटेड, इसलिए उसको ओमिटेड किया जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करें तो आपको पता है सब्जेक्ट तो नहीं आता फर्स्ट में, हेल्पिंग वर्ब आता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो मिस्टर के शांतरम यहाँ पर क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। डू यहाँ पे आपका नहीं होगा, यू जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। डू आपका यहाँ पे प्रेडिकेट होगा, और नीड एनी हेल्प फ्रॉम वन मी, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। सो द सब्जेक्ट मे और मे नॉट कम फर्स्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट आपका शुरू में आए, ठीक है, फर्स्ट पे आए, ये लास्ट में भी आ सकता है। हाउ मिस्टीरियस द हिल्स अपीयर्स, तो द हिल्स क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ऐसे द वेदर जो है आपका सब्जेक्ट है। चलिए प्रेडिकेट को फिर दोबारा समझते हैं। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन अदर एलिमेंट लाइक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी कंटेन करता है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्बियल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्ब, और बाकी जो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो वो सभी आपका प्रेडिकेट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मारिया सिंग्स, यहाँ पे सिंग्स जो है वो आपका वर्ब है, तो सिर्फ यही प्रेडिकेट है, और मारिया क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैरिन कुक्स राइस, अब देखिए यहाँ पे कुक्स है आपका, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब है आपका, प्रेडिकेट विद अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राइस। तो कुक्स राइस क्या है, बोथ आपका प्रेडिकेट, और मैरिन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज, समझते हैं एक्सरसाइज को और करते हैं। दिस सिटी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज़ एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपका प्रेडिकेट है, अंडरलाइन करना है। ऐसे ही द पीपल ऑफ द विलेज, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे इज है, ठीक है, यहाँ पे आर है, तो ये आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। वर है यहाँ पे थर्ड में, देखिए, और यहाँ पे फोर्थ में इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उससे पहले जितने भी आते हैं, द न्यू कोच, द पैसेंजर सीटेड इन द रेयर, तो ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इज़ नॉट ईजी, ये आपका प्रेडिकेट है। अगेन देखिए यहाँ पे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो इज़ के बाद, इज़ से आपका ये प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये टोटली आपका सब्जेक्ट है। इज़ टुमोरो आपका प्रेडिकेट।
सेवेंथ में आपका द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आपका सब्जेक्ट है इज द सहारा इन अफ्रीका, तो ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी आपका डू है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया था, अभी डू आपका क्या होगा प्रेडिकेट, यू आपका सब्जेक्ट है, तो रिमेंबर द नेम ऑफ द होटल, तो आपका ये प्रेडिकेट है। नाउ हियर यू हैव टू कंप्लीट द सब्जेक्ट, चलिए कंप्लीट करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। आई बॉट माई सेल्फ अ पेयर ऑफ बायनाकुलर्स, तो आई आएगा यहाँ पे। द बुक वॉज अ रिसाउंडिंग सक्सेस, थर्ड होगा आपका पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकते पेंगुइन। फोर्थ का होगा आवर कंट्री हैज़ अ रिच कंट्री। फिफ्थ का होगा द लीडर्स आर देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर द फियास्को, फियास्को होती है मीन्स अनसक्सेस, जिसको हम असफलता बोलते हैं, ठीक है। तो लेह इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, चलिए होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और लिटरेचर का कोई भी आप सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए विद एक्सरसाइज, या फिर क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा चैप्टर नेम डाल के ऐसे ही ग्रामर का आप सर्च कीजिए, चैप्टर नेम एक्सरसाइज with answers by Rani Sharma, definitely you will get that chapter. So don't forget to like share and subscribe my channel. Thank you, bye bye to all.